दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस कूल और ऑसम गैजेट से भरे वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 बहुत ही यूजफुल गैजेट्स, जैसे कि ग्लोविंग ईयरफोन, मल्टी टूल, पॉकेट प्रिंटर और भी बहुत सारे। और इनमें से कुछ गैजेट्स को आप amazon.in से खरीद भी सकते हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक, ताकि आपसे कोई गैजेट मिस ना हो पाए। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, रैक हैमर मल्टी टूल। दोस्तों यह है 12-in-1 मल्टी टूल मिनी हैमर, एक ऐसा हथौड़ा जो एक नहीं बल्कि 12 तरह के काम कर सकता है। यह हैमर खास उनके लिए बनाया गया है जो आउटडोर एक्टिविटीज पसंद करते हैं, जैसे कि एक्सप्लोरिंग, हाइकिंग, कैंपिंग, फिशिंग और हंटिंग। इसके 12-in-1 फीचर्स में शामिल है हैमर, यानी वो सारे काम कर सकते हैं जो हथौड़ी से किया जा सकता है। नेल क्लाव, इसे आप किसी भी नेल यानी कील को खींच कर निकाल सकते हैं। फ्लैट एंड पाइप ग्रिप प्लायर्स, वायर कटर, फ्लैट हेड एंड फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, सॉ, स्ट्रेट ब्लेड, फाइल, बॉटल ओपनर और एक ड्यूरेबल नायलॉन कैरिंग केस भी है। जरा सोचिए दोस्तों, इसे एक हैमर से आप कितना कुछ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह साइज में काफी छोटा होता है और हल्का भी है, जिसे आप हर जगह आराम से कैरी कर सकते हैं। इसका मटेरियल स्टेनलेस स्टील का है जो कि काफी मजबूत होता है। कार, बोट, ऑफिस ट्रिप सभी जगहों पर टूल्स की जरूरत पड़ती है, पर अब आपको अलग अलग टूल्स रखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही रैक हैमर टूल से ही सब कुछ किया जा सकता है दोस्तों। नंबर 2, ग्लोविंग ईयरफोन्स। दोस्तों आपने ईयरफोन्स तो कई सारे देखे होंगे, पर ऐसा ईयरफोन आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, क्योंकि इस ईयरफोन में लाइट जलती है। हाँ दोस्तों, ये ग्लोविंग ईयरफोन है। इसके वायर में नियॉन लाइट्स लगे हैं जो जलते कैसे हैं, ये आप खुद ही इस क्लिप में देख सकते हैं। रात के समय में जब आप इस ईयरफोन को लगाते हैं तो ये शाइन करता है, और इसकी लेजर लाइट टेक्नोलॉजी से बिल्कुल मैजिकल बना देती है, जो बाकी सभी लाइट से काफी अलग और इल्यूमिनेटेड होता है। ये लाइट म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइज करता है, और ये ईयरफोन लाइट की मदद से म्यूजिक एक्सप्रेशन को भी शो करता है, जो म्यूजिक सुनने की ओवरऑल एक्सपीरियंस को लाजवाब बना देता है। दोस्तों इस ईयरफोन में ना सिर्फ लाइट की टेक्नोलॉजी है जो इसे बाकी ईयरफोन से अलग बनाती है, बल्कि इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी में मिलते हैं। जैसे कि इस ईयरफोन में आपको 4 बटन्स मिलते हैं, लेफ्ट, राइट, वॉल्यूम अप एंड डाउन, और एक सेंटर बटन भी है जिसे आप म्यूजिक को प्ले एंड ऑफ कर सकते हैं, और उसी को प्रेस करके फोटो भी क्लिक किया जा सकता है। और सिर्फ डिजाइनिंग फीचर्स ही नहीं, इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है। इन ईयर डिजाइन के साथ ये जब आपके कानों में लगते हैं तो बाहर का साउंड ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाता है, और बिल्कुल क्लियर साउंड आपके कानों तक पहुंच जाता है दोस्तों। नंबर 3, होवर पेन 3.0। दोस्तों बचपन में जब हम पहली बार पेन से लिखना स्टार्ट करते हैं तो पेन के शौकीन बन जाते हैं और हर तरह के पेन कलेक्ट करते फिरते हैं। हमने फाउंटेन, पार्कर से लेकर हर तरह के बॉल पेन्स को देखा है, मगर आज जो पेन हम आपको दिखाएंगे उसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और देखेंगे भी कैसे, क्योंकि ये इस जमाने की पेन है। हाँ दोस्तों, इसके फीचर्स और टेक्नोलॉजी बिल्कुल एडवांस और फीचर एडिशन का है। होवर पेन एक ऐसे पेन है जो ग्रेविटी को मात दे देती है। आप इस क्लिप में देख सकते होंगे कि ये पेन बस एक निब की मदद से ही स्टैंड पर मैग्नेटिकली चिपका हुआ है, और 60 डिग्री एंगल पर ही है, मगर फिर भी यह नहीं गिर रहा। ग्रेविटी तो हर चीज को खींच लेती है, मगर सोचिए कि इस पेन में ऐसा क्या बात है जो इस पेन को गिरने ही नहीं दे रहा। आप इसे 360 डिग्री रोटेट भी कर सकते हैं और स्पिन भी कर सकते हैं। ये अपने स्टैंड में फिक्स रहता है। इसमें फाउंटेन के साथ रोलर बॉल निब भी है जो बहुत ही स्मूथली और फाइनली इंक फ्लो देता है। एक और सबसे खास बात यह है कि इसकी इंक 100% रिफिलेबल है, तो आप इस पेन को अपने पास सालों तक रख सकते हैं। इसकी बॉडी सैटिन लाइक फिनिश देती है जो पकड़ने में बिल्कुल सॉफ्ट एक्सपीरियंस देता है। दरअसल इसका बेस यानी कि स्टैंड जो आपको इसके साथ ही मिलता है, वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की मदद से पेन को बैलेंस कर लेता है और ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मात दे देता है। यही वजह है कि ये पेन 60 डिग्री एंगल पर ही सीधे खड़े रहती है और गिरती भी नहीं है। तो है ना एक काफी कमाल की चीज। नंबर 4, रियल रेसर। रेसिंग गेम्स किसे अच्छे नहीं लगते हैं, बच्चों से लेकर बड़े इसके दीवाने हैं। फोन में, लैपटॉप में और पीसी में तो सबने कार रेसिंग गेम्स खेल लिए हैं। चलिए आप खुद भी कार में बैठकर खेल लेते हैं। दोस्तों क्या आप खुद रेसिंग गेम के अंदर कार ड्राइविंग सीट पर बैठकर गेम खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि तब आप सिर्फ गेम को खेलेंगे नहीं बल्कि खुद उसका हिस्सा बन जाएंगे और सब कुछ बिल्कुल लाइव फील कर पाएंगे। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि आप कोई रियल रेसर तो नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है, हम खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार रेसिंग गेम कैसे खेल सकते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा आपको सच में नहीं करना है। आप कार के अंदर खुद नहीं बैठेंगे, मगर आपको बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस मिलेगा रियल रेसर गैजेट की मदद से। आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद कार की सीट पर बैठे हैं और रेसिंग कार को चला रहे हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं आखिर इस गैजेट में ऐसा क्या है। तो दोस्तों ये एक FPV RC कार गेम है। इसके लिए आपको अपने फोन में रियल रेसिंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और फोन में गेम को ऑन करके डिवाइस को अंदर डालना होगा। फिर आप इसे पहनकर रियल टॉय कार्स को रिमोट की मदद से चला सकते हैं। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ रियल रेस लगा भी सकते हैं। इस डिवाइस को जब आप पहनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद कार ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, आपके कॉम्पिटिटर कार्स आपके सामने होगी और सड़क भी आपको दिखेगा। बिल्कुल लाइव रेसिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और इसमें कितना मजा आएगा ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे, है ना दोस्तों। नंबर 5, प्रिंट पॉकेट।
दोस्तों के आपको मेमोरीज कलेक्ट करना पसंद है? हम कहीं भी जाते हैं दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ तो सबसे पहले हम फोन में फोटो क्लिक करते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यादें बनाए रखने के लिए अपने फोटोज को क्लिक करते हैं। मेमोरीज को तस्वीरों में कैद करना आपको भी पसंद होगा। कुछ लोग जर्नल्स भी बनाते हैं, कुछ लोग तस्वीरों को प्रिंट करके अपने रूम में लगाकर हमेशा के लिए यादों को ताजा बनाए रखते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं कुछ लोगों में से हैं तो ये प्रिंट पॉकेट आपके लिए ही बना हुआ है। प्रिंट एक ऐसा गैजेट है जो आपके फोन में ली गई फोटो को कुछ ही सेकंड्स में प्रिंट करके बाहर निकाल देता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे कितनी आसानी से फोटो क्लिक करते ही प्रिंट हो जाता है। बस आपको प्रिंट गैजेट को अपने फोन से कनेक्ट करना है और फोटो प्रिंट करने के लिए दिए गए व्हाइट पेपर को डिवाइस के अंदर डालना है। फोटो क्लिक करते ही आपको फोटो प्रिंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आपका फोटो प्रिंट हो जाता है दोस्तों। तो अब बताएं आपको ये मेमोरीज बनाने वाला तरीका कैसा लगा। नंबर 6, इन्फिनी फिजेट स्पिनर। दोस्तों हाल ही में एक अजीब सी एडिक्शन दुनिया के सामने आई थी। अब मैं कोई ड्रग्स या स्मोकिंग की एडिक्शन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं फिजेट स्पिनर की बात कर रहा हूँ, जिसका शिकार शायद आप भी बने होंगे। फिजेट स्पिनर कोई बुरी एडिक्शन नहीं, बल्कि स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका है। फिजेट स्पिनर के बारे में और क्या ही बताऊं मैं आपको, तो पता ही होगा कि इसे स्पिन करने से कितना रिलैक्स फील होता है। दोस्तों इन्फिनी भी एक फिजेट स्पिनर ही है जो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्पिनिंग ही नहीं बल्कि क्लिकिंग, प्रेसिंग, रोलिंग, फ्रिक्शन और नॉकिंग भी होता है। ये होम, वर्क, ऑफिस सभी जगह के लिए परफेक्टली डिजाइंड है। बैठे बैठे हम अक्सर पेन को क्लिक करते रहते हैं या फिर सामने रखी कोई चीज को उठाकर टेबल पर बजाने लगते हैं। ये सब कुछ स्ट्रेस और एंजाइटी की निशानी है। इसीलिए फिजेट स्पिनर जब आपके हाथ में होता है तो आप स्पिन, क्लिक, रोल या फिर प्रेस करके अपने स्ट्रेस को रिलीव कर पाते हैं। बाकी के स्पिनर्स में सिर्फ स्पिन का ऑप्शन रहता है, मगर इसमें आपको कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं जो कि काफी अच्छा होता है। नंबर 7, ईबो एयर। दोस्तों ईबो एयर एक ऐसा मूवी कैमरा है जो एक गैजेट की तरह नहीं बल्कि एक फैमिली कंपेनियन की तरह काम करता है। जब आप अपने घर से दूर रहते हैं तब ये कैमरा आपको घर से जोड़ कर रखता है। ये एक वायरलेस मूविंग कैमरा है जिसे आप अपने फोन से कनेक्ट करके पूरे घर में घुमा सकते हैं और घर में कहां क्या हो रहा है ये देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें माइक्रोफोन और रिकॉर्डर भी लगा है, जिसकी मदद से आप वीडियो कॉल करके बात भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इस क्लिप में देख पा रहे होंगे कि इस कैमरे को आप अपने फोन से ही आगे पीछे घुमा सकते हैं, फिर चाहे आप दूसरे शहर में ही क्यों ना हो। एक और अच्छी बात यह है कि आप इसकी रिकॉर्डिंग को सेव भी कर सकते हैं, तो है ना काफी अमेजिंग। नंबर 8, बिक्सी। यह है बिक्सी, स्मार्ट दुनिया के एक स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल डिवाइस। इस डिवाइस की मदद से आपको अपने फोन या टैब को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी काम में बिजी होते हैं और हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, ऐसे में हम अपने फोन की स्क्रीन को टच नहीं कर पाते। इसलिए एक ऐसे गैजेट को बनाया गया है जो आपके हाथ के इशारे को समझ लेता है और आपका काम स्क्रीन को बिना टच के ही कर देता है। जैसे कि आप इस क्लिप में देख पा रहे होंगे कि अलार्म बंद करना हो या फिर गाना चेंज करना हो, सब कुछ उंगलियों के इशारे से ही हो रहा है। आपको बस अपने फोन या जिस डिवाइस को जेस्चर से कंट्रोल करना चाहते हैं उसे बिक्सी से कनेक्ट कर लेना है और फिर ये आपका सारा काम जेस्चर से ही कर देता है दोस्तों। नंबर 9, एले। दोस्तों एक बुक स्ट्रैप है जो बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में डिजाइन किया गया है। स्ट्रैप को आप किसी भी बुक या डायरी या फिर लैपटॉप या डिवाइस में लगाकर सामान रख सकते हैं। इसमें कार्ड होल्डर, वॉलेट होल्डर भी अटैच्ड है। स्ट्रैप दोनों साइड से यूजफुल है दोस्तों। इसकी मदद से आप चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं। पेन, गॉगल, स्केल, केबल और कुछ भी छोटी छोटी चीजें, एक्सेसरीज इसमें रखी जा सकती है। स्ट्रैप को अटैच करके आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ये क्लासिक बुक स्ट्रैप का मॉडर्न वर्जन है। नंबर 10, टर्टल। दोस्तों अगर आपको गार्डनिंग का शौक है लेकिन आप गार्डन में ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो टर्टल आपके लिए बेस्ट गैजेट है। टर्टल आपके गार्डन का ध्यान खुद ही रख लेता है, आपको बार बार इसे देखने की तक जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों ये ना तो बिजली का इस्तेमाल करता है और ना ही बैटरी का। ये एक सोलर पावर डिवाइस है जो कि धूप से ही चार्ज हो जाता है और अपनी एनर्जी को बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करता है। टर्टल आपके गार्डन में मौजूद सभी वीड्स को काट देता है। आपको बस इसे जमीन पर रख के ऑन का बटन दबाना है, फिर ये सारा काम खुद ही कर लेता है। ये प्लांट्स के साइज को देख कर समझ जाता है कि ये वीड है या अच्छी प्लांट है। अगर आपको कोई छोटा पौधा जो कि वीड साइज का है उसे रखना है तो आप उसके पास किसी तरह का मार्क लगा दीजिए, जिसके बाद टर्टल समझ जाएगा कि इसे नहीं काटना है और ये उसे बिना काटे ही आगे निकल जाता है। ये ऑटोमेटिकली हर रोज चार्ज भी हो जाता है और आपके गार्डन से सारे वीड्स को पहचान कर काटते रहता है। तो दोस्तों आज के गैजेट्स में सबसे अच्छा गैजेट आपको कौन सा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी उसी तरह के गैजेट्स ला सके। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।